आप जज क्यों कर रहे हैं मुझे? मौकफ क्यों दे रहे हैं? मैं बुनियाद पे कर रहा हूँ, मेरे पास वीडियो है आपकी। तो वीडियो किस चीज की है? मैंने एडमिट किया है। क्या किया आपने? डायग्नोसिस के लिए आई हुई है। और भाई डायग्नोसिस के लिए तो मैं कह रहा था इंजेक्शन लगा के मैं ले आऊंगा घर से। यार डायग्नोसिस के लिए आई हुई है, अभी हमने डायग्नोसिस करना है इसका। तुम बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? तुम तमीज से बात कर सकते हो? मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तुम कौन हो? और भाई मैं अंबर लगे हुए हो। तुम कौन हो कि किसी को भी उठा के ले आओगे? तुम बदमाश हो, लेके आए हो, गुंडा कर दिए हो, कौन लेके आए हो? तुमने बोला नहीं मैं मीडिया टीम आई हुई है यहाँ पे। तुमने बोला मैं मीडिया टीम घर भेजूंगा। यार तुम किस कानून के नीचे? कमीज से बात करो, कमीज से बात। तुमने कहा बताओ मुझे कौन सा कानून? किसी की भी पत्नी उछालोगे जाके मीडिया के हो और तुम किसी बदमाश बन जाओगे। तुम किसी पुलिस वालों को भी लोंडी बनाया हुआ है और तुम किसी भी उठा के ले आओगे घर से। तो आप उसको मतलब लेके किस कोई दवाई वगैरह देंगे? हाँ हम अभी जाएंगे तो जहाँ पे जिस रूम में उस रूम में जाके उनको पकड़ के उनको इंजेक्शन दे देंगे। उस इंजेक्शन से उनका गुस्सा और जिद खत्म हो जाएगी और वो हमारे साथ गाड़ी में बैठ के आ जाएगा। किसी को शक ना हो कि आप आराम से बात क्या करोगे? वरना क्या करोगे? नहीं बात करता हूँ कि तुम क्या करोगे? तुम बदमाश हो, बदमाश बन रहे हो मीडिया के। अरे तुम आके तुम बदमाश हो, घर से बदमाश हो, ये आवाम की खिदमत कर रहे हो। 60,000 60,000 रुपए लेके आवाम की खिदमत हो। मनशियात सेंटर और नफसियाती अस्पताल के नाम पर लड़की को इंजेक्शन लगाकर अगवा करके लाने की डील की रिकॉर्डिंग जब CIA के साथ आए मजिस्ट्रेट साहब ने सुनी तो उनके चेहरे के तासुरात और रद्देअमल देखकर इस शख्स को अंदाजा हुआ कि मामला गड़बड़ है। अब इसका गुस्सा अचानक रफू चक्कर हो गया। हाथ उठाने से अब ये फौरन मोहतरम और इकरार भाई कहने पर आ गया। ये मुझे कह रहे हैं मैं बदमाश हूँ और ये ही कह रहे हैं कि मैं घर भेजूंगा टीम और इंजेक्शन लगा के ले आएंगे। देखिए मोहतरम, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। यार तब से बात ही सुन रहा हूँ भाई आपकी, उस वक्त मुझे सिंपल मैं कानून बता रहा हूँ। कानून मैं जानता हूँ, कानून मेरी बात सुनिए। एक सौतेला भाई आके कहता है मेरा जायदाद का मसला है, आप उसे कहते हैं कि मैं टीम घर भेजूंगा, इंजेक्शन लगाएंगे, उसको ले आएंगे। सिर्फ ये नहीं बताया ना, देखिए इस तरह बात गलत हो जाती है इकरार हुसैन साहब। और आप खिदमत 60,000 रुपए लेके खिदमत होती है यार? या तो फ्री में करें ना इसको, मैं कहूँ आपको सलाम करूंगा यार कमाल अच्छा कर रहे हैं आप। फिर खिदमत तो नहीं ना, फिर पैसे ले रहे हैं आप यार 60,000 रुपए महीने के हर आदमी। तो भाई खिदमत किस का नारा क्यों लगा रहे हैं कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ? जब आप एक तनफीस ले रहे हैं 60,000 रुपया महीने की, तो फिर तो आप अपना कारोबार कर रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। बड़े लोग हैं जो बगैर फीस के भी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। इसको बगैर फीस के ले लेते वो तो बेचारी, वो बेचारी जो सतेले भाइयों की खानी दुनिया में। अभी कुछ देर पहले जो शख्स इस बात पर एतराज कर रहा था कि आप जज हैं जो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं, वही अब खुद मुझे जज करने का कह रहा था। एक सवाल सुनने इसके बाद अपनी तकरीर समझिए। आपने जब तक उस बच्ची का टेस्ट नहीं करवाया, मैं जब तक आपने उसको असेस नहीं किया, हाँ। आप कैसे कह रहे हैं कि 6 महीने तक? मैंने नहीं कहा, मैंने पहले ये बात की। सुनने यार झूठेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना यार। मैं आपको एक सजेस्ट करूं फजल साहब, जी जी सुन ले जरा तसल्ली से। मैं सुन ले, हाँ फिर उसके बाद बात करें। आपके तो यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि आप बाकायदा गुंडागर्दी कर रहे हैं लोगों के रवैयों से, आपके अग्रेसिव उससे। मैं पता है क्यों प्रकार भाई, जब कुछ गलत होता है ना उसको आप गलत कहेंगे तो आप गलत नहीं है इस मामले में। टीम सरेआम जिस औरत को बाजियाब करवाने इस कैद खाने में गई थी, जब उसे CIA पुलिस और मजिस्ट्रेट साहब अपने साथ ले जाने लगे तो इस शख्स का कहना था आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यानी वो शख्स जो किसी को भी इंजेक्शन लगाकर उठाकर अपने कैद खाने में ले आए, जिसे उसने बहाली मरकज का नाम दिया हो, वो कानूनी। और इस्लामाबाद पुलिस, CIA, मजिस्ट्रेट साहब और टीम सरेआम, हम सब गैर कानूनी। कमाल है। अच्छा सर, ये हमारा प्ली है, वर्जन है, एविडेंस है, बच्ची मौजूद है। हाँ मैं कहती हूँ कि मैम मुझे यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि अब आपने मेरी वीडियो भी दिखा दी है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे खुद को नहीं नहीं आपको लेके जाएंगे वो तो ठीक है, वो जो भी हाँ, क्योंकि हम यहाँ से आप लोग जाए और आपके जाने के बाद मजिस्ट्रेट मौजूद है। मजिस्ट्रेट साहब ये प्रोसेस हो चुका है, डॉक्यूमेंटेड है, दोबारा नहीं होता। किस कानून के तहत सर इनको आप ऐसे मत लेके जाइए, गैर कानूनी काम है। बहरहाल साजिदा को बाजियाब करवा कर थाने लाया गया, जिसके बाद उसे दारुल अमान भिजवा दिया गया। थाने में बदतमीजी करने वाले इन साहब का रवैया इंतहाई शाइस्ता और मुहज्जब हो गया था। मैंने इनसे पूछा कि जिन चीजों का इलाज करने का ये दावा करते हैं, वही सब मसाइल तो इनके अपने अंदर मौजूद है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक लाइफ लाइन नाम का ये नाम निहाद बहाली सेंटर बनी गाला इस्लामाबाद में अब भी वैसे ही चल रहा है जैसा कि हमारी कार्रवाई से पहले चल रहा था।
सवाल ये है कि किसी भी निजी इदारे को कड़ी जांच पड़ताल, भारी जमानतों और रिकॉर्ड चेक किए बगैर ये इजाजत कैसे दी जा सकती है कि उसके गुंडा नुमा मुलाजमीन किसी को भी जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर अपने साथ ले आए और फिर उसे पागल करार देकर कैद कर दे। इस इदारे के पास तो खैर ये इजाजत भी नहीं थी, लेकिन ये आज भी काम कर रहा है। हम अपनी नुमाइंदा को जबरदस्ती के इंजेक्शन और उल फूल दवाएं नहीं खिलवाना चाहते थे, वरना डील के मुताबिक ये उसे भी महज 60,000 रुपए महाना के इवज बाकायदा इखवा करके लाने को तैयार थे। वजीराबाद और इस्लामाबाद में इखवाकारी के इन अड्डों की हकीकत सरेआम लाने के बावजूद ना तो कभी कोई एक्शन हुआ और ना ही कभी कोई पॉलिसी बनी। अपनी अपनी सियासतें चमकाते, हुकूमतें बचाते और खजाने लुटाते लोगों में से किसे पड़ी है कि ऐसे किसी सेंटर में कैद किसी बेगुनाह के बारे में सोचें। लेकिन आप सब जरूर सोचिए कि अगर हम में से किसी को पागल करार देकर कहीं कैद कर दिया जाए तो हम ये कैसे साबित करेंगे कि हम पागल नहीं हैं।